क्या भाभी आप आ गए? कैसा रहा हनीमून? अच्छा था सुशांत, और यहाँ यहाँ सब ठीक था? वो भाभी आप यहाँ पर नहीं थी ना, अब आप आ गई हैं तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मतलब कि माया काकी ने मुझे यहाँ पे अच्छे से खाना ही नहीं दिया, अब आप आ गई हैं ना तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। चलो बहुत बातें हो गई, बाकी बातें कल, रात बहुत हो चुकी है, चलो। क्या सोच रही हैं आप? यही कि किस्मत जिंदगी को कैसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। हमने तो बहुत पहले ही अपना सब कुछ खो दिया था ना दीजी, वो आप थे जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, भगवान ने यही रास्ता चुना, शायद ये प्यार हो जिसे समझने में हमें इतना समय लगा। अलग अलग सोते माँ, माँ जैसे तू सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। माँ कैसे नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझा? बोल भी, मेरे छोरे को क्यों नहीं सोने देती तेरे साथ? क्या वजह है इसकी, बोल। अरे बोलती क्यों नहीं? हाँ मेरा छोरा तुझे पसंद नहीं है या अपने रूप पर बहुत घमंड है तुझे? खा खाएगा वारिस जब दोनों अलग अलग सोते हैं। भाभी सर कारण पता चल गया, मुझे पता है परेशानी की वजह। अरे भाभी साहब आप ही ने तो भेजा था ना मुझे गुरु माई के पास। मैं सब पता करके आई हूँ। हाँ ये अनादि और उसकी बिन्नी का ब्याह 31 मार्च 2010 को हुआ था। हाँ वो दिन तिथि और नक्षत्र के अनुसार शुभ नहीं था, ब्याह के लिए तो बिल्कुल नहीं। हाँ तो गुरु माई का कहना है ऐसे अशुभ दिन में अगर ब्याह हो जाता है जीवन में बड़ी अड़चने आती है, शादीशुदा जीवन नष्ट भी हो सकता है। हाँ अरे ये सब पूरे नक्षत्रों का प्रभाव है। पर इसका कोई उपाय कोई निवारण बताया कि नहीं गुरुमान ने? हाँ बताया है, और अच्छा हुआ ये भांडा जल्दी फूट गया क्योंकि उपाय कल ही कर सकते हैं। कल आखा तीज है तो गुरु माई कह रही थी कि कल के दिन अनादि और उसके बिन्नी के फिर से फेरे करवाए जाए, अगर फिर से उन्हें ब्याह के बंधन में बांधा जाए तो सारी अड़चने हल हो जाएंगी। अरे मैथिली वैसे तुम्हारे बाबू सा और मासा आ रहे हैं ना शादी में? अरे उन्हें भी यही होना चाहिए है ना? आपके और हमारे बीच जो नाम का रिश्ता था वो भी खत्म हुआ। मेरे तो दिमाग में से निकल गया उन्हें निमंत्रण देने का, और इसने भी याद नहीं दिलाया। चल अब फोन लगा, बात करती हूँ मैं उनसे।